Guys, welcome back to my channel and it's me Rupi Roy. सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं. देखिए एकदम चारों ओर सनलाइट ही और सनलाइट है और मैं जा रही हूँ अपने खेत पे जहाँ पे हम देखेंगे. अब सब लोग शायद पाइनएप्पल खाते होंगे ना, तो वहाँ पे हम कुछ पाइनएप्पल उठाएंगे. देखना पहाड़ से पाइनएप्पल उगते हैं. ये मेरे पीछे एक पेड़ है, इसे कहते हैं गाब. देखिए ये भी एक फ्रूट है जो ऐसा रेड रेड होके पक जाएगा तब हम खाते हैं. तो चलिए आज आपको पाइनएप्पल ट्री दिखाएंगे, साथ में आके हम खाएंगे भी. तो चलिए आप आज मेरे साथ. वैसे ये हमारा जो काव है उसके लिए है. ये क्या कहते हैं हिंदी में मुझे आता नहीं. तो चलिए पाइनएप्पल ट्री देखते हैं. वैसे देखिए यहाँ पे कुछ है थोड़ा बहुत, बट ये सब कच्चे हैं अभी तक. देखिए अब अभी तक ग्रीन ग्रीन है, लेकिन मुझे पक्के चाहिए. मतलब थोड़ा बहुत येलो कलर का हो जाएगा. तो चलिए हम जाते हैं जंगल पे. वैसे ये मेरा हमारा खुद का खेती है, वरना आप लोग सोचेंगे कहाँ चोरी करने के लिए चली गई ये लड़की. नहीं नहीं, चोरी नहीं कर रही हूँ, मेरा खुद का खेती है. मतलब मेरा नहीं, मेरे पापा दादा का है. तो हाँ चलिए उस साइड से हम चलते हैं. वैसे बहुत ही बड़ा खेत है, मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा आती नहीं खेत पे, क्योंकि मुझे स्नेक्स का बड़ा डर है, क्योंकि इस खेत में बहुत सारे स्नेक्स होते हैं. तो अब आशा करते हैं इतने सुबह सुबह स्नेक्स नहीं होंगे. हाँ तो चलिए देखते हैं पाइनएप्पल हमें मिलता है या नहीं मिलेगा. यहाँ से आगे की तरफ हर तरफ ही पाइनएप्पल ट्री है, लेकिन मिडिल में बहुत सारे जंगल है, इसलिए आपको पाइनएप्पल ट्री सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद. लेकिन हाँ आगे से सामने जहाँ तक ग्रीन है सब पे पाइनएप्पल ट्री है. देखिए हमें एक पाइनएप्पल मिल गया है, वो पक गया है. देख रहे हैं आप लोग. हाँ ये बहुत इलिश हो गया, तो इसे हम ले जाते हैं, इसे हम खा सकेंगे. तो इसका जो पकड़ के दूसरी साइड से आप दे दो, ये टूट जाएगा. देखा टूट गया है. ये रहा हमारा पाइनएप्पल. हमने पाइनएप्पल कट करके लेके आए हैं, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं. खुद के घर की पाइनएप्पल इसलिए नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में बहुत टेस्टी है एंड बहुत फ्रेश भी है एंड खाने का मज़ा ही दूसरे लेवल का है. इसलिए बहुत टेस्टी है. तो चलिए रुक जा. तो चलिए हम इसे कॉम्प्लीट करते हैं. टाटा. तो हेलो गाइस, आशा करती हूँ कि आपको वो वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अब ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसा वीडियो मैंने क्यों अपलोड किया, क्योंकि वो वाला टॉपिक मेरे चैनल से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. एक्चुअली सच बोलूँ तो तबीयत बहुत ख़राब है कुछ दिनों से एंड आप में से हमारे किसी एक सब्सक्राइबर ने हमें SMS करके बताया कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा चैनल पर एंड तब सच्ची में मोटिवेशन आ गया कुछ तो करूँ. एक्चुअली हाँ बहुत दिन से मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और अब तबीयत ख़राब है एंड मैंने कोविड का वैक्सीन लिया था एंड आज 2 दिन हो गया, बट
तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, बुखार के ऊपर बुखार है, मेडिसिन ले रही हूँ तो 2-3 घंटा ठीक रहता है और फिर ज़बरदस्त बुखार आ जाता है। उसके साथ साथ बॉडी, फुल बॉडी में दर्द, सर दर्द, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स एक साथ हो रहे हैं। खुद भी परेशान हूँ, साथ में घर में मम्मी पापा सबको परेशान करके बैठी हूँ। तो आशा करते हैं हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड वो वाला वीडियो मैंने शायद 1 से 2 वीक पहले रिकॉर्ड करके रखा था, तब एडिट भी करके रखा था। एंड अब तो शायद ठीक से बोलने की भी हालत में भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा हाँ वही अपलोड कर देती हूँ एंड साथ में एक अपडेट टाइप कुछ दे दूँ। और आशा करते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे एंड ज़रूर लौट के आएंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, अगर मैं जिंदा रहूँ तो। एंड टिल देन ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी।